एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार और हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने जी के जीए सीरीज़ में। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ जो है ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चंस की हम बात करने वाले हैं वो उद्योग से संबंधित भी कुछ क्वेश्चंस होंगे और जिसमें भारत में प्रथम करके भी सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और चलिए चलते हैं अपने सवालों पर। और आज का हमारा पहला सवाल है, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ पर स्थित है? एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं इस सवाल को, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं और जो पहला ऑप्शन है हमारा वो है हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई और चौथा जो ऑप्शन है वो है छत्तीसगढ़। और जो सही जवाब है इसका वो है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। सबसे ज़्यादा जो है वो जो डायनामाइट पाई जाती है वो सबसे ज़्यादा हैदराबाद में पाई जाती है। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है हमारा, भारत में यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है? ठीक है, इस सवाल में बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ पाया जाता है। ठीक है, अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है खेतड़ी, ऑप्शन बी दिया गया है अलवाय, ऑप्शन सी दिया गया है जादूगोड़ा और ऑप्शन डी दिया गया है सिंहभूम। और जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, जादूगोड़ा। अगला प्रश्न, भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या है? ठीक है, एक बार हम इस सवाल को फिर से रिपीट कर देते हैं, भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है चार, बी है छः, सी है आठ और डी जो दिया गया है वो दस दिया गया है। ठीक है, और जो इन ऑप्शंस में से सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, छः है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? ठीक है, तो जो ऑप्शन है यहाँ पर वो है उर्वरक उद्योग, दूसरा ऑप्शन रंग रोगन उद्योग, तीसरा ऑप्शन लौह इस्पात उद्योग और चौथा जो है वो है दवा व रसायन उद्योग। और यहाँ पर जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई? यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास चार ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है 1961 में, दूसरा ऑप्शन है 1974 में, तीसरा ऑप्शन है 1988 में और चौथा ऑप्शन जो है वो है इनमें से कोई नहीं। और जो सही ऑप्शन है यहाँ पर वो है ऑप्शन नंबर बी, 1974 में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना करी गई थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है हमारा, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वह कौन सा उद्योग है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं। पहला ऑप्शन है जूट उद्योग, दूसरा ऑप्शन है कपड़ा उद्योग, तीसरा ऑप्शन है चीनी उद्योग और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, कपड़ा उद्योग में। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है? यहाँ पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा सीमेंट कहाँ उत्पादित होता है। पहला ऑप्शन जो दिया गया है राजस्थान है, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पर जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, राजस्थान। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया? पहला ऑप्शन है सिरामपुर, दूसरा ऑप्शन है बालीगंज, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लखनऊ। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है?
एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसको हम, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बंगलोर, ऑप्शन नंबर बी है झारखंड, ऑप्शन सी है कानपुर और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है चेन्नई। और जो सही जवाब है यहाँ पर वो है ऑप्शन नंबर ए बंगलोर। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो है चेन्नई, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी जो है वो है कोलकाता। और जो सही जवाब है यहाँ पर वो ऑप्शन सी है मुंबई। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया? यहाँ स्क्रीन पर चार ऑप्शंस हैं, ऑप्शन जो सही है यहाँ पर इन चारों में से वो ऑप्शन नंबर बी है जमशेदपुर। यहाँ पर जो कहा गया है कि भारत का जो प्रथम स्टील प्रोजेक्ट था वो जो किस शहर में स्थापित किया गया था, वो जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? ऑप्शन ए 9 है, ऑप्शन बी 11 है, ऑप्शन सी 14 है और ऑप्शन डी 16 है। और जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है 16। अगला प्रश्न, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। और जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 3। मतलब भारत को जो है कुल मिलाकर के 3 प्रकार के रेल मार्गों के अंतर्गत बांटा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? ठीक है, पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो है 8, दूसरा 12, तीसरा 15 और चौथा 17। तो जो भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या है वो है 12 और यहाँ पर जो है ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है? ऑप्शन ए राजकीय मार्ग से, ऑप्शन बी राष्ट्रीय राजमार्ग से, ऑप्शन सी ग्रामीण सड़कों से, ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय राजमार्ग से। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? ओके, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन ए दिया गया है 1861 में, ऑप्शन बी दिया गया है 1872 में, ऑप्शन सी दिया गया है 1886 में और ऑप्शन डी दिया गया है 1899 में। और यहाँ पर जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है 1872 में। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय और ऑप्शन डी चतुर्थ। और जो सही जवाब है यहाँ पर वो है ऑप्शन नंबर ए प्रथम। अब भारत जनसंख्या की दृष्टि में पहला हो गया है। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है? ऑप्शन ए दिया गया है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिया गया है गोवा, ऑप्शन सी दिया गया है गुजरात और ऑप्शन डी दिया गया है पश्चिम बंगाल। और सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी गोवा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे कम लिंगोपात वाला राज्य है? ऑप्शन ए नीलगिरी, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी राजस्थान। और सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न जो है इस वीडियो का हमारा आखिरी प्रश्न होने वाला है। और यह प्रश्न क्या कहता है चलिए देखते हैं।
भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? ऑप्शन ए क्या है? बिहार है, बी केरल है, सी तमिलनाडु है, डी कर्नाटक है। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, केरल। आज की वीडियो में बस इतना ही, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।